सुनो मर्दो, ना का मतलब समझो। दिल्ली के मालवे नगर में एक नरगिस की ना ने उसकी जान ले ली। इरफान ना नहीं सुन सका और उसका हत्यारा बन गया। दिल्ली के डाबरी में रेनू की ना ही उसकी जान की दुश्मन बन गई। श्रद्धा की ना ने उसके 35 टुकड़े करवा दिए। निर्भया की ना ने उसे जानवरों जैसा नुचवा दिया। आप में मर्दाना कमजोरी है अगर आप ना बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो। 600 करोड़ की दुनिया में हर दिन ना जाने कितनी पत्नियां ना करके बिस्तर पर बंधक बन जाती हैं। ना को अनचाही हाँ में तब्दील करके खामोशी ओढ़ लेती हैं और टकटकी लगाए सामने की दीवार पर टंगी हुई घड़ी को निहारती रह जाती है। अजीब सा शब्द है ना, ना पौरुष को ललकार देता है, मर्दानगी को पुकारता है। मेरा सवाल है कि क्या देश में एक स्त्री ना नहीं कर सकती? पितृ सत्तात्मक समाज में मेरी बातें शायद फेमिनिस्ट लग सकती हैं, पर ये मेरी फिक्र है और फिक्र का जिक्र होना जरूरी है। जरूरी है आज उस ना को बचाया जाना। आज ये ना नहीं बची तो कल मेरी बेटी रोएगी, कल आपकी बेटी रोएगी। दिसंबर 2022 की बात है। सूरत में एक महिला के ना कहने पर एक शख्स ने उसे HIV से भरा हुआ खून का इंजेक्शन लगा दिया। उसने ये आइडिया एक TV शो से लिया। अस्पताल पहुंचा, अस्पताल जाकर HIV मरीज का खून लेकर आया। स्त्री देह, उरोज और सांसें ना कहने की हकदार है। लैंगिक समानता की बात निरर्थक है जब तक उसकी ना स्वीकार्य ना हो। छूना, चिपकना, किस करना मर्दों की बोपती नहीं है। इस तरह के व्यवहार से खुद को स्त्री के लिए आप बदतर मत बनाइए। अगर सच में आप उसे पसंद करते हैं, आपको लगता है कि वो भी आपको पसंद करती है, तो उसकी हाँ से पहले उसकी ना को जानना जरूरी है, उसकी ना को पूछना जरूरी है। मर्दों, आपके लिए एक छूना सिर्फ एक टच हो सकता है, स्त्री के लिए वो स्पर्श है, वो एहसास है, वो लगाव है, वो सुरक्षा है। आपकी पसंद की लड़की या महिला ने अगर आपको ना कह दिया और उसके इनकार से आप दुखी हैं, गुस्सा हैं, या फिर इस रिजेक्शन को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सामान्य है। आप इच्छाओं और अहंकार को दबा नहीं पा रहे हैं, ये आपकी कमी है। रिजेक्शन पर स्त्री देह का एक ऑब्जेक्ट लगे तो खुद के दिमाग का इलाज करवाइए। काश कि हमारे समाज में एक पति अपनी पत्नी की ना समझ पाता, एक प्रेमी अपने प्रेमिका की ना समझ पाता, एक एक्स अपनी एक्स की ना समझ पाता। ना में एक ताकत है, ना में एक इज्जत है, ना एक आदत है। एक लड़की ने सोचा होगा, समझा होगा, तभी तो आपको ना कहा होगा ना। जब तक स्त्री आपको इंसान समझेगी तब तक वो आपको ना कहेगी, और जिस दिन आपने ना को अनसुना किया वो खामोश हो जाएगी, सहन करेगी और रूह तक दर्द को उतार कर तुमसे कहेगी कि काश तुम मेरी ना सुन लेते, काश तुम मेरी ना समझ लेते। तुम स्त्री के ना का भोग करोगे तो नामर्द कहलाओगे, ना को स्वीकार नहीं करोगे तो स्त्री के लिए तुम एक हांड मांस का सिर्फ एक टुकड़ा हो। स्त्री के दिल को अगर छूना है तो उसकी ना को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। आप देख रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम आईना। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर।